वापस घर जा रहे हैं, लेकिन भोसड़ी वाले भैं भैं कितने किलो लो? 30 टका केजी। 30 किलो केजी बेसी होना है? हां बेसी होना है। जो कि कैसे हमने जो अभी मछली लिया है वो 100 रुपया में लिया है, 100 रुपया किलो। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे शायद, 100 रुपीज किलो। ए दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सबको स्वागत है अर्जुन ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग की टॉपिक पर होने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आज भूटान, मतलब इंटरनेशनल ट्रिप बोल सकते हैं। कोई बड़ा बात नहीं इसमें, क्योंकि हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, जिसमें जाने के लिए आपको ना तो पासपोर्ट ना तो वीज़ा कुछ भी नहीं चाहिए। आप आराम से जा सकते हो, खाली आपके पास फोटो कार्ड या आधार कार्ड होने से चल जाएगा। वो भी नहीं चाहिए था गाइस, लेकिन जब से कोरोना आया था उसके बाद अभी फिलहाल 2-3 साल के बाद ओपन हुआ है, तो इसलिए अभी वो मांग रहे हैं, मतलब वो देना पड़ेगा। वो तो सबके पास होता ही है कम से कम, तो आप दे सकते हो। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ से 15 किलोमीटर है बस। आपको वही वीडियो आज हम शो करने चले, आज का ब्लॉग वही टॉपिक पर होगा। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर सब कर दीजिए गाइस। तो मिलते हैं वीडियो के बाद में। दोस्तों, रात को बारिश हुआ था तो इसलिए इधर पे पानी थोड़ा जमा हुआ है। तो बारिश तो होता ही रहता है, पहले चलिया है तो कोई बात नहीं है। और मॉर्निंग में कुछ भी नहीं है तो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं।
अभी हम तामुल खाने जा रहे हैं, जो कि खाली वेलेस पे मिलता है, शहर पे नहीं मिलता है। ये है गाइस पार्क के बाजार, जो कि वेलेस मार्केट से हम इसको वेलेस मार्केट बोलते हैं। तो आप लोग नज़ारा को एंजॉय कीजिए और मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो सब कर दीजिए गाइस। और इधर पे देखिए गाइस आयुर्वेदिक। ये रहा तामुल गाइस, इसको खाना पड़ेगा अभी। दोस्तों ये 10 रुपया भूटान का, जो कि हमारा इंडिया का नहीं है। आप लोग देख सकते हो कैसा होता है भूटान का नोट, 10 रुपीज। और ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये आप, तो ये भूटान का 10 रुपीज। इधर पे नमकीन, फाइनल गाइस ये मार्केट आप लोग देख सकते हो। आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। तो अभी हम जा रहे हैं मछली बाजार, जहाँ से हम 1 किलो मछली लेंगे अभी। चलिए चलते हैं। कितने का किलो लो? 30 रुपए किलो। 30 रुपए बेसी होना है? हाँ बेसी होना है। ऐसे तो मैंने वो लगे 25 का 1000 के कोपे डालो, फ़ोन का ले फ़ेक कर दियो, कलो कम दरो। आइए ये 1 क्वालिटी का पीस है गाइस। तो गाइस हम ये मछली ले रहे हैं अभी। हम लोग मछली का क्वालिटी और साइज देख सकते हो। इसका दाम मैं बाद में बोलूंगा आपको कितने में लिया है। आरी मार से गाइस, ये पता नहीं आज देख रहा हूँ मैं लाइफ में पहली बार। ये बाजार तो है गाइस इंडिया में, लेकिन इधर पे इंडिया से ज़्यादा भोटे लोग हैं, जो कि भूटान से आए हुए हैं मार्केट करने के लिए। और मैं एक बात बता दूँ, उन लोगों को आने के लिए इधर ना तो कुछ चाहिए, ना तो उन लोगों को भी पासपोर्ट चाहिए, ना तो कुछ भी नहीं चाहिए। और हम लोग को अभी बोल रहे हैं मतलब उधर जाने के लिए हमको ओरिजिनल वोटर कार्ड चाहिए। तो यह सब तो नाटक है गाइस,
वो लोग आराम से आके हम लोग का इधर गाड़ी इधर पार्किंग कर देते, उधर पार्क करके देखिए, मतलब पूरा जाम करके रख देते हैं ट्रैफिक, और बोलने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन मार्केट पे ज़्यादातर देख सकते हो आप। जी हमने जो अभी मछली लिया है वो 100 रुपये में लिया है, 100 रुपये किलो, तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे शायद, 100 रुपीज किलो, वो भी लोकल चाइना पर ही। देख सकते हो वैलेंस का। तो अभी फाइनली हम थोड़ा कुछ खाने के लिए आए थे, तो खा चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं फिर भूटान की ओर, जाके देखते हैं मेन गेट पे, उन लोगों से गार्ड से बात करेंगे। अगर हम लोग को मेरे पास तो है वोटर कार्ड, लेकिन मेरा दोस्त के पास नहीं है, तो शायद हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर जाने देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो हम लौट के आ जाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो अभी चलते हैं। तो दोस्तों वो जो आगे पे गेट दिख रहा है वही है भूटान, वो है मेन गेट, वहाँ से हम एंट्री करेंगे तो भूटान आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। तो इधर पे पूछते हैं क्या कहते हैं, क्या कहनी है दादा, की लगे दादे तार बाहर ना बोलो। भूटान के अंदर जाने के लिए अभी फिलहाल वोटर कार्ड चाहिए आपके, आपके पास अगर वोटर कार्ड होगा तो आप जा सकते हो, वोटर आईडी आपके पास चाहिए कंपलसरी। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो भी फिर भी नहीं जा सकते आप, जो कि मेरे पास तो है, लेकिन वो जो मेरा दोस्त था उसके पास नहीं है, तो इसलिए अभी वो उसके फ़ोन पे फ़ोन से शो करने से भी नहीं होगा ऐसा मतलब डर बोला है। तो अभी हम वापस घर जा रहे हैं, लेकिन भोसड़ी वाले भैया नेक्स्ट टाइम हम जरूर जाएंगे, तो आप लोगों को टाइम हम दिखाएंगे। लेकिन आज का दिन ऐसे बेकार चला गया, क्योंकि हम अपना सब कुछ काम का छोड़ के आए थे भूटान दिखाने के लिए आप लोगों को, हमने तो दिखाए पहले लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन वो भी आज नहीं हो सका। तो हम नेक्स्ट डे एक दिन मिला के आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को जितना तक देखें उसके लिए थैंक यू।